हेलो जी, आज बॉबी लाइफस्टाइल में क्या बन रहा है? ये भला क्या है? अरे ये मिनी कचौड़ी है जो कि मैंने एक चम्मच तेल से बनाया है। और मैंने कैसे बनाया, प्लीज़ मेरा पूरा वीडियो देखें तो आप लोग को भी पता लग जाएगा, आप भी अपने घर पे बना सकोगे। और पसंद आता तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है जी। चलिए जल्दी से बनाते हैं मिनी कचौड़ी। कचौड़ी बनाने के लिए आटे की ज़रूरत तो है। मैंने यहाँ पे गेहूँ का आटा लिया है, आप लोग चाहो तो मैदा भी ले सकते हैं। और मैंने यहाँ पे 3 कटोरी लिया है, और ये है बेकिंग पाउडर जिससे केक बनता है, वो मैं डाल रही हूँ। मैंने 2 चम्मच लिया है, देख लीजिए चम्मच कितना छोटू छोटू सा है। और ये 1 चम्मच भर के मैंने अजवाइन लिया है, थोड़ा सा क्रश करके डाल दें। और यहाँ पे मेरा 1 चम्मच तेल है, बहुत कम तेल से मुझे इस कचौड़ी को बनाना है, तो मैं मोयम में भी 1 चम्मच ही तेल डालूँगी। और नमक स्वाद अनुसार डालें, बस इन्हें बहुत अच्छे से मिक्स करना ज़रूरी है। ज़रूर अच्छे से मिक्स करें क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर भी पड़ा है, तो इसलिए मिलाना अच्छी बहुत ज़रूरी है। चलिए मिला लेते हैं। देखिए मैंने बहुत अच्छे से इसको मिला लिया है। इसको मुट्ठी बांध के मैं नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मुट्ठी तो बंधने वाला नहीं है, 1 चम्मच रिफाइंड से कहाँ से मुट्ठी बंधेगा जी। चलिए इन्हें अब अच्छे से एक सॉफ्ट डो बना के तैयार करते हैं थोड़े थोड़े पानी के साथ। देखिए ये आटा बहुत अच्छे से गूंद के तैयार है, और मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रखूंगी। और उस बीच चलिए हम लोग इसकी स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पे मैंने पनीर लिया है, और इसमें भी स्वाद अनुसार नमक डालें, और साथ ही साथ मैं इसमें चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ जो कि मैं घर पे बनाती हूँ। और इसमें धनिया पत्ती पड़ेगी, और अब मैं इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला डालूँगी। बस इन्हें कुछ नहीं करना है, अच्छे से मैश करना है। चलिए ये स्टफिंग भी तैयार है, अब हम लोग कचौड़ियों की तैयारी के चलते हैं। चलिए ये 15 से 20 मिनट भाई रेस्ट ले लिया, बहुत है और कितना सुलाए से। और अब मैं इसको छोटे छोटे लोई काटूंगी, आप लोग जितना बड़ा छोटा करना चाहते उसी तरह काटें। चलिए इनकी लोइयां बना लेते पहले। चलिए इन्हें इस पर हम लोग स्टफिंग करेंगे, तो एक कटोरी बना लेते हैं। और मैं ये कचौड़ी जो है अपम वाली कढ़ाई में बनाऊंगी, तो मैंने गैस पे पहले ही चढ़ा दिया है। चलिए इनको सारी लोइयां इसी तरह बना लेते हैं। मैंने कढ़ाई को पहले ही बना दिया था, तो मैं इसमें एक एक बूंद सारे में मैं तेल डाल देती हूँ। चलिए अब मैं सारे अपम चलिए सारी कचौड़ियाँ जो है अब मैं इसमें सेट कर रही हूँ। बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको हम रखेंगे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए ढककर। चलिए देख लेते हैं, ये देखिए कितना अच्छा ब्राउन हो गया है। चलिए इस तरह मैं सारे कचौड़ियों को पलट देती हूँ। चलिए मैं फिर से 1 मिनट के लिए ढकूंगी कि दूसरी तरफ भी हो जाए। और एक और बार बता देना चाहती हूँ, बीच वाला जो है हमेशा जल्दी होता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, पर फ्लेम बिल्कुल लो रहेगा। ये देखिए ये सारे कंप्लीट है, और फिर से मैं कहूँगी कि इसको थोड़ा थोड़ा बीच बीच में घुमा घुमा के करें कि चारों तरफ अच्छे से सेक जाए। और यकीन मानिए इतना सारा 1 चम्मच तेल से बना है। इस तरह से कचौड़ी अगर आप बनाते जिसके लिए तेल मना है तो वो भी खा सकता है जी, ज़रूरी नहीं है कि डीप फ्राई करें। चलिए ये कंप्लीट है, इनको सर्व करते हैं। ये रहा आप लोग के लिए कचौड़ी, एक बार घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन मानिए बहुत बढ़िया बनता है, बहुत ही बढ़िया बनता है, यकीन मानिएगा।
और मेरी रेसिपी आप सबको कैसी लग रही, अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं फिर मिलूंगी दूसरी रेसिपी के साथ। आज के लिए बाय।